आज मैं आप लोगों के सामने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुहद तकवा, तो उनकी तवाजो देखें और इनकी तकवा को देखें, इनकी जोहद को देखें मेरे दोस्तों। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्ग, आज मैं आप लोगों के सामने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुहद तकवा और उनके माल की तकसीम करने के मुतालिक और फिर खुदा तरसी और फिर दुनिया को अपने से भगाना और दुनिया को ये कहना, ए दुनिया तू मुझे धोखा ना दे, गैरों को धोखा दे, मुझसे दूर हो जा, मुझसे दफा हो जा। मेरे दोस्तों, इससे पहले हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिहाद की मुतालिक तरगीब, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शुजात और हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु की हिजरत और उनकी इस्लाम कबूल करने के मुतालिक, उनकी पैदाइश और फिर उनकी जहाद की तरगीब और फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी शुजात और बहादुरी गजवाओं के अंदर, फिर उनकी अदल व इंसाफ, उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की अपने उमराओं को सियत फरमाना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का माल का तकसीम करना वगैरह, इसके मुतालिक हमारे बयान हो चुके हैं। अब हमारे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक माल का तकसीम और उनकी शुजात वगैरह के मुतालिक हमारे बयान देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर, हमारे पिछले बयानों में गुजर चुके हैं। आज मेरे दोस्तों, अखरज अबू नईम फिल हुलिया जिद नंबर 1 सफ़ा नंबर 182 के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुहद के मुतालिक, हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुहद के मुतालिक बात है। सकीफ़ के एक आदमी बयान करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे मौज़ाए अकबरा में आमिल बनाकर भेजे हैं और फरमा दिया कि जोहर से पहले यहाँ आ जाना, यानी मेरे पास आ जाना। और वो कहते हैं कि देहात के लोग, मौज़ा अकबरा ये एक देहात है, वहाँ देहात के लोग नमाज पढ़ते ही निकल जाते हैं, तो इनको आमिल बनाकर भी भेजे हैं। आमिल बनाकर मैंने यानी वहाँ की जो टैक्स वगैरह हासिल करना या दीगर चीज़ें हासिल करना, इसके मुतालिक हुकूमत के मताहत में रहकर फिदिया वगैरह वसूल करना और माल की टैक्स वगैरह वसूल करना, इसके मुतालिक तो वहाँ मस्जिद में लोग रुकते नहीं हैं,
देहात के लोग अपने इलाकों में चले जाते हैं थोड़ी देर नमाज पढ़ते ही। तो सकीब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तरफ मुतवज्जे हुए, रवाना हुए और कहने लगा कि मैं जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आ रहा था उस वक़्त में ना कोई चौकीदार था, ना कोई दरबान था, ना कोई मुझे रुकने वाले थे। मैं सीधा ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुँचा तो देखा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे। तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुझे देख कर एक थैला निकला, उसी थैला के अंदर क्या है मुझे नहीं मालूम। और मैं भी ये सोचने लगा कि नहीं मालूम कि मैं कोई हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि मुझे बड़े कोई अमीन तो नहीं समझ गए। थोड़ी ही देर के अंदर देखा उसी थैला को निकालने के बाद देखा उस थैले के अंदर मोहर लगा हुआ था। तो कोई चीज़ जब बाहर से आती है उसमें मोहर लगा हुआ पैक होती है, उसमें मोहर लगा देते हैं। तो उसको खोला, मोहर को तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर एक गिलास के अंदर उसको डाला, उल्टा करी, उल्टा करने के बाद को उसमें पानी डाले, देखा तो उसमें क्या थे, सत्तू। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद भी पिए हैं और फिर सकीब के उस आदमी को भी पिलाया और वो कहा कि मैं सब्र ना कर सका ये देख कर कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इराक में है और ऐसी जगह पर है जहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बड़े अक्सर बेहतरीन खाना वहाँ मिलते हैं, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सत्तू गिलास के अंदर डालकर उसके अंदर पानी डाल के फिर खुद भी पिया, मुझे भी पिलाया। तो ये है मेरे दोस्तों जुहद की बात, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीने से कोई चीज़ आते थे तो वही वो खाया पिया करते थे। अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा रावे, और कितनी बड़े जलील कदर खुलाफा राशिदीन में सोचे तो चौथे नंबर खलीफा था। अब मेरे दोस्तों उसके बाद एक वाकया ये भी है कि हजरत आमिस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो कहने लगे, फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह और शाम दो टाइम की, दो वक्त की खाना खाया करते थे। अब उस चीज से खाते थे जो मदीने से आते थे, इराक में होते थे लेकिन जो चीज मदीने से आते थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वही खाया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन शरीक के दादा बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन शरीक के दादा बयान करता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक मर्तबा फालूदा लेकर आया किसी ने। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो फालूदा को देख कर तो कहा कि तू बहुत बड़ी अच्छे खुशबू वाला है, बड़ी रंग वाला है और तू बड़ी जायकादार भी है ना, बेहतरीन जायका भी रखता है और बेहतरीन जायकादार है, लेकिन मैं इस बात को मकरूह समझता हूँ, यानी मैं अपने लिए पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इस चीज का आदि नहीं बन सकता। ऐसे ना हो कि मैं तुझे खाने के बाद इस चीज की मैं आदि बन जाऊं जिसका मेरे नफ्स आदि नहीं है, मैं उस फालूदा को नहीं खा सकता हूं, खा सकता हूं। फिर जायद इब्न वहाब फरमाते कि हमारे पास हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए तो उन पर एक चादर, उनके पास एक चादर थी और एक तयबंद जिसको वो एक कपड़े के टुकड़े से कतरे से बंधे हुए थे, बंद कर रखे हुए थे। उससे उसके बारे में पूछा गया कि आपने एक चादर और एक तेबन सिर्फ दो ही कपड़ा पहनते? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला कहा हाँ मैं दो ही कपड़ा पहनता हूँ, ये मेरे तकब्बुर के माने हैं। ये क्या है, तकब्बुर से माने होता कि मेरे लिए ये तकब्बुर के माने हो और मेरे नमाज के लिए भाले हैं और यही मोमिन के लिए क्या है, सुन्नत है कि दो कपड़े बस एक चादर तैबन वो भी बंधे हुए, उसमें भी टुकड़े लगे हुए थे कपड़े का, कतरे लगे हुए। बाज ने कहा है एक मोटी चादर देखी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, तो वो
उन्होंने उसको 5 दिरहम से खरीदे, 5 दिरहम से खरीदा, जो मुझे इसमें 1 दिरहम ऊपर देकर खरीद लेगा, यानी 1 दिरहम को मुझे नफा दे दे तो मैं इसको भेज दूंगा। अखरज इब्नुल मुबारक में जिल नंबर 5, तो कजा फिल मुंतखब जिल नंबर 5 सफा नंबर 58 में यह मौजूद है। हजम मजमा बिन समान तैमी रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि अली रजी अल्लाह तआला अपनी तलवार लेकर बाजार जाते हैं, बाजार गए और फरमाया कि कौन है कि मुझसे मेरे ये तलवार खरीद ले, मुझसे ये तरह तो तलवार मुझसे खरीदता है, अगर मेरे पास 4 दिरहम होते जिससे मैं इजार खरीद लेता तो इसे मैं इस तलवार को नहीं बेचता। यानी मेरे दोस्तों देखो उनकी जोहद तकवा, ये किसी से मांग नहीं रहे। अगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन अगर किसी को कह देता तो नहीं देता, लेकिन ये नहीं, वो कह फरमाया कि ये मेरी तलवार है, ये मैं 4 दिरहम में इसको मैं बेच दूंगा ना, अगर मेरे पास 4 दिरहम होते तो मैं 1000 भी खरीद लेता। ये इनकी जहूद की हद थे मेरे दोस्तों। एक रावी बयान करते हैं कि उन्होंने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के गादे पर सवार होते हुए देखा कि दोनों पांव के गादे को सवार होता है, 2 पांव दो तरफ होता है कि दोनों पांव एक ही तरफ, जिसे औरतें मेरे दोस्तों देखते हैं कि स्कूटर में बैठती हैं। तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कि मैं वो हूं जिसने आदमी की तोहीन की ना और इसको हकीर समझा, मैं कैसे इसे बैठ सकता हूं, मैं इसी लायक हूं, इसी वजह से मैं दोनों पांव के एक तरफ होकर बैठा गादी के ऊपर सवार होकर। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़रीन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में बकरईद के दिन पहुंचा तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे हलीम पेश किया। अली रजी अल्लाह तआला ने जब हलीम पेश कर दिया मुझे, बकरईद के दिन है, तो मैंने अर्ज किया अल्लाह पाक आपको सलाहियत के साथ बाकी रखे, अगर आप हमें ये बत्तख खिलाते तो बहुत ही अच्छा था। तो उनकी तवाज़ु देखें और इनकी तकवा को देखें, इनकी जोहद को देखें मेरे दोस्तों।